आज से एक डेकेड पहले जब 18 से 26 साल के लोगों का एक सर्वे किया गया तो उसमें 52% लोगों ने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ एक्सीलेंट है। ये ग्रुप था मिलेनियल्स का। और 10 साल बाद 2023 में जब फिर से 18 से 26 साल के लोगों से पूछा गया तो उनमें से 15% लोगों ने कहा कि उनकी मेंटल हेल्थ एक्सीलेंट है। यह है जेन जी। एक और सर्वे में ये पाया गया कि जेन जी के लोगों में दूसरी जनरेशन की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचें, प्लान करें या सुसाइड अटेम्प्ट करें। अब ये सर्वे तो अमेरिकन युवाओं का था पर भारत में भी रिपोर्ट्स और स्टडीज़ यही दिखाती हैं। ICICI लंबार्ड की एक स्टडी ने दिखाया कि यंगर जनरेशन में हर 3 में से 1 व्यक्ति स्ट्रेस या एंग्जाइटी से जूझ रहा है और इनमें भी जेन जी की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। मैं खुद भी इसी जनरेशन से हूँ और इस चैनल के लगभग 40% लोग भी 18 से 26 वाले ही हैं। नाइस। तो जब मैंने ये स्टैट्स देखे तब मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगे। तो एग्जैक्टली मामला क्या है, हमारी जनरेशन किन प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा फेस कर रही है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे बढ़ने से पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, जेन जी मतलब 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग। तो वो लोग जिनकी 2024 में उम्र 12 से 27 साल के बीच है। जेन जी को डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, मतलब ऐसी जनरेशन जो इंटरनेट के साथ ही बड़ी हुई है और इंटरनेट इनकी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। जेन जी की अपब्रिंगिंग इसी तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बीच हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जेन जी रोज 8 घंटे ऑनलाइन होते हैं और रोज लगभग 3 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इस जनरेशन के इंटरनेट और सोशल मीडिया से भरी हुई लाइफ से ही पहला पॉइंट निकल कर आता है और वो है हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार दिया था जीन बॉड्रियार्ड, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ने। हाइपर रियलिटी उस स्टेट को कहते हैं जब असली और इमेजिनरी के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। क्या असली है और क्या नहीं, ये आप बता नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप अपने आसपास देखोगे तो हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने आइडियलाइज वर्जन को पोस्ट करना, कई बार तो जो नहीं है उसे पोस्ट करना। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स एक आइडियल जिंदगी का सपना हमें दिखा रहे हैं जो अपने आप में काफ़ी एडिट की हुई है। वीडियो गेम्स हमें एक बिल्कुल ही अलग रियलिटी दिखाते हैं जिसमें हम घंटों डूब सकते हैं। एक ब्रांड तरह तरह की एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी इमेज बनाता है और फिर उस इमेज के आधार पर अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है। तो जब आप एक महंगी चीज़ खरीदते हो क्योंकि वो ब्रांडेड है तो ज़रूरी नहीं है आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी, पर आप उस ब्रांड की इमेज के पैसे दे रहे हो। आप सोचोगे तो पाओगे कि उस इमेज का रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कहीं है नहीं, वो इमेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बस लोगों के दिमाग में उसे पैदा कर दिया गया है। जेन जी इसी हाइपर रियलिटी में बढ़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पर खाने की परफेक्ट एंगल से ली गई फोटो और उसको देखकर आने वाली वाइब, कैंडिड के नाम पे ज़बरदस्ती हंसकर डाली जाने वाली वीडियो और उसके पीछे लगा बैकग्राउंड म्यूजिक, ब्यूटी फिल्टर्स लगाकर क्लिक किए हुए खूबसूरत शॉट्स, ये सब केवल फ़ोन में ही है, असलियत में नहीं। ये एक ऐसी कॉपी है जिसका कोई ओरिजिनल नहीं है। इनसे मिलिए, ये है मिकेला, एक फैशन इन्फ्लुएंसर जिसके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। मिकेला जगह जगह जाकर अपनी फोटोज़ क्लिक करती हैं, अपनी लाइफ के बारे में पोस्ट करती हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं। लेकिन मिकेला और किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसर में बस एक चीज़ का फ़र्क है, मिकेला असली नहीं है, वो AI से बनी है। और ये प्राइम एग्जाम्पल है हाइपर रियलिटी का, क्या असली है क्या नकली, इसके बीच की बाउंड्रीज बहुत ब्लर हो चुकी हैं। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि इस चीज़ को हम पूरी तरीके से नकली भी नहीं बोल सकते क्योंकि सोशल मीडिया पर ये हाइपर रियल दुनिया हमारी ज़िंदगी को रोज़ इफ़ेक्ट कर रही है, रोज़ बदल रही है। मेरी उम्र के लोग जिनकी लाइफ अभी शुरू हुई है वो जब इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, मैगजीन, एडवर्टाइजमेंट, बिलबोर्ड्स देखते हैं तो उन्हें वही बिना ओरिजिनल वाली कॉपी दिखाई जाती है और लगातार इन सभी मीडियम से यही बोला जा रहा है कि अगर लाइफ हो तो ऐसी हो। और उस आइडियल लाइफ जिसका असलियत में कोई आधार ही नहीं है उसे देख देख कर फोमो की फीलिंग कांस्टेंट होती है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबको मिल रहा है और वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि चारों तरफ मुझे दिखाया जा रहा है कि सबको मिल रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा, और ये चीज़ व्यक्ति को नेगेटिव सेल्फ इमेज और डिप्रेशन की ओर धकेलती है। और सेम यही रियलिटी से भी ज़्यादा एक नकली रियलिटी वाली चीज़ बॉडी इमेज को लेकर भी होती है। सोशल मीडिया पर हमें परफेक्ट लाइटिंग के साथ एडिटेड और अननेचुरल बॉडीज दिखाई जाती हैं, कॉपी जिसका कोई ओरिजिनल नहीं है। और फिर जब हम उस कॉपी के पीछे भागते हैं तो ईटिंग डिसऑर्डर्स और बॉडी डिस्मॉर्फिया को जन्म देते हैं।
इस चीज को मैंने अपने दूसरे वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। 2022 के एक ग्लोबल जेन जी सर्वे ने दिखाया कि सोशल मीडिया इस जनरेशन में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो और पुअर बॉडी इमेज जैसे इश्यूज के लिए जिम्मेदार है। तो एक तरफ सोशल मीडिया और हाइपर रियलिटी हमें गलत आइडियल्स दे रहे हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे सेलिब्रिटीज सभी एक कॉपी दिखा रहे हैं जिसका कोई ओरिजिनल नहीं है, एक ऐसी लाइफ जो असल में कहीं है ही नहीं। और फिर वो कॉपी हमारी एक्सपेक्टेशंस का कारण बन रही है, हम कैसे लोगों को डेट करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ उसी अनरियलिस्टिक आइडियल से प्रभावित हो रहा है। जेन जी के सामने लगातार एक नकली आइडियल रखा जा रहा है जिसे फिर उनको चेज करने को बोला जाता है। और अब जैसे जैसे AI आ रहा है, दुनिया और ज्यादा हाइपर रियल होने वाली है। धीरे धीरे वर्चुअल AI गर्लफ्रेंड्स का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑफर करती है जो आपको एक असली रिलेशनशिप में कभी मिल ही नहीं सकता। और इन AI कंपेनियंस की डिमांड बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है लोनलीनेस। WHO ने लोनलीनेस को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित कर दिया है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अकेलेपन का प्रभाव इंसान पर रोज की 15 सिगरेट्स पीने जितना हो सकता है। तो इस लोनलीनेस का कारण क्या है? देखो, अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के पिछले 2 लाख सालों की ही बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो हिस्सा जिसमें प्रिंट मीडिया, टेलीविजन वगैरह आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन से तुलना करें तब तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। पॉइंट ये है कि हमारा ब्रेन इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि उसे सोशल कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, वो उनका भूखा है, उसे अपने आसपास लोग चाहिए, क्योंकि हमने लाखों सालों तक जंगल में ऐसे ही सर्वाइव किया है। लेकिन हमारी जनरेशन जिस रियलिटी में जी रही है उसमें सोशल मीडिया तो है पर सोशल कनेक्शंस नहीं है। तो जिस चीज़ के लिए हमारा ब्रेन बना है और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी गैप है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ऐप्स की इंटेंशन तो शायद लोगों को और कनेक्टेड फील कराने की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2021 के एक सर्वे में पता चला कि 43% शहर में रहने वाले भारतीयों ने कहा कि वो ज़्यादातर समय लोनली यानी अकेला महसूस करते हैं, खासकर कोविड पैंडेमिक के बाद से। पिछले कुछ सालों में भारत में सोशल स्ट्रक्चर्स में काफ़ी चेंज आया है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, नेबर्स और रिलेटिव्स के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग होती थी, लोग खाली समय में एक्टिविटीज़ इंजॉय करते थे, साथ में त्यौहार मनाते थे, अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे और उनके साथ भी रहते थे। लेकिन अब ट्रेडिशनल सोशल कनेक्शंस और लेजर एक्टिविटीज़ की जगह सोशल मीडिया ने ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक सेंस ऑफ कनेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये बहुत सतही संबंधों, शैलो रिलेशनशिप्स को प्रमोट करता है, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली क्वालिटी और गहराई नहीं होती। इसके अलावा कुछ और सोसाइटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे घर से दूर जाकर पढ़ाई या काम करना या वर्क लाइफ बैलेंस की कमी होना, पर टेक्नोलॉजी, मीडिया और इंटरनेट का इस सब में बड़ा रोल है। जर्मन फिलोसोफर फ्राइडरिक नीचे ने कहा था कि जिनकी लाइफ में जीने के लिए एक वाय होता है वो किसी भी तरह के हाउ को झेल सकते हैं। इसका मतलब अगर लाइफ में मीनिंग और पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है, हमें पता होता है कि क्या करना है और क्यों करना है, तो हम लाइफ में किसी भी तरह की कठिनाइयों और रुकावटों का सामना कर लेते हैं। हार्वर्ड की यंग एडल्ट्स पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि 58% की लाइफ में कोई मीनिंग, पर्पस या डायरेक्शन नहीं है। सर्वे में उन्होंने बोला कि उनकी मेंटल हेल्थ इस बात से काफ़ी प्रभावित हो रही थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। अब ये प्रॉब्लम्स जेन जी के अधिकतर मेंबर्स में है, इतना तो तय है, पर फिर भी लोग इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सब लगातार एक तरह का नशा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट का। हमारे पास खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है, खासकर टिकटॉक और रील्स के बाद से लगातार कुछ ना कुछ दुनिया में हो रहा है। जितनी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट हमें चाहिए एक स्क्रीन के टैप पर हमें मिल सकती है, कभी बोर होने की जरूरत ही नहीं है। If we actually live in a time where you can ignore all your problems pretty consistently, everyone has a phone, everyone walks around with one hand on their phone, like it's the Wild West. Anytime anything slightly uncomfortable or boring happens, you're like, not today! Ha ha! Not today, my thoughts! ओवर स्टिमुलेशन हमारी जनरेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जेन जी के पास बहुत इजी एस्केप रूट्स हैं, जितने चाहे उतनी पोर्नोग्राफी उपलब्ध है और सोशल मीडिया पर ही स्टिमुलेटिंग कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। अब एक तरफ वो ओवर स्टिमुलेशन उसी तरह के कंटेंट का होता है जो एंग्जाइटी और लोनलीनेस की फीलिंग्स को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। अगर हम इतना ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होते तो शायद हम में से कहीं ज़्यादा लोग दूसरे इंसानों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने, खुद को समझने या खुद पर काम करने में समय बिताते। तो ये इंटरटेनमेंट का नशा चीज़ों को सॉल्व होने से रोक रहा है।
वीडियो में अब तक किया गया एनालिसिस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, यहाँ हम केवल इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जेन जी की मेंटल हेल्थ और यूनिक कठिनाइयों में इकोनॉमी और सोसाइटी का भी रोल है। एकेडेमिक प्रेशर, गवर्नमेंट जॉब्स का ऑब्सेशन, कंपटीशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनसे आज की जनरेशन प्रभावित हो रही है और इनकी चर्चा हम भविष्य में अलग से करेंगे। पर फिलहाल हाइपर रियलिटी पर वापस आते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर इससे अलग हो पाना तो अब असंभव है। हाँ, आप कहीं फार्म हाउस खरीद के अपना खाना खुद उगा के ऑफ ग्रिड रहने लगो तो बात अलग है, पर वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकता। सोशल मीडिया डिलीट कर देना एक ऑप्शन हो सकता है, जिससे कई लोगों को फायदा भी होता है, पर तब भी आप उसी हाइपर रियल दुनिया में ही हो। इंटरनेट, मीडिया, टेलीविजन सब है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि इसमें रहते हुए भी काफ़ी हद तक चीज़ों को बदला जा सकता है। हमारे फॉल्स आइडियल्स को, जो हमें कंज्यूमरिज्म, फोमो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और बॉडी इमेज इश्यूज दे रहे हैं, उन्हें बदल कर हमें उन लोगों को सुनना शुरू करना होगा, उन लोगों को रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस और सेलिब्रिटी स्टेटस देना होगा जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, जो आपकी लाइफ में मीनिंग और पर्पस लाने में मदद करते हैं, जो अकेले होकर भी कैसे खुश रहा जा सकता है वो सिखाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी इन डिस्टॉर्टेड एक्सपेक्टेशंस को फिक्स करते हैं, जो अपनी लाइफ दिखाकर या हंसाकर सट्टे के ऐप्स नहीं बेचते। और ऐसे कई लोग हैं, आज के समय के थिंकर्स हैं, अपनी अपनी फील्ड के साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। नाउ मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि मेंटल हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमने इस प्रॉब्लम के केवल एक पक्ष की बात की है। मेरा उद्देश्य मेंटल हेल्थ इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई करना नहीं है। यहाँ मैंने चर्चा की है हमारी मेंटल कंजम्पशन की आदतों को बदलने की। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स माइंडलेस एंटरटेनमेंट, एक्सट्रीम व्यूज और इको चैम्बर्स को बढ़ावा देते हैं, और एज अ जनरेशन हमें ज़रूरत है हमारी पूरी ताकत से इसे काउंटर करने की। इसमें पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल है। जो बच्चे टीनेज ईयर्स में हैं, उनके माता पिता को ज़रूरत है कि वो उन्हें सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाएं और ये मॉनिटर करें कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अपने बच्चों के दिमाग में सही आइडियल्स बैठाएं और खुद भी एक रोल मॉडल की तरह अपने मेंटल कंजम्पशन को सुधारें। अब इसके अलावा बोलने को तो बहुत कुछ है, रिलेशनशिप्स फॉर्म करो, कोई हॉबीज बनाओ वगैरह वगैरह, पर मेरे देखे जब तक हम बिना ओरिजिनल वाली कॉपीज के पीछे भागते रहेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं रुकने वाली। और हमें भगा कौन रहा है? हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारी सेलिब्रिटीज, हमारी मीडिया। क्यों भगा पा रहे हैं? क्योंकि हमने उन्हें कंट्रोल दे रखा है अपने ऊपर, और वो कंट्रोल हमें वापस लेना होगा। कैसे लेंगे वापस? वेल, इस पूरे खेल को समझने के अलावा तो मुझे कोई और उपाय नहीं पता। सबसे बड़ा चेंज तो यही होगा कि दुनिया के बारे में हम किसकी बात सुन रहे हैं उसको बदला जाए। कल्पना करो एक व्यक्ति जिसके आइडियल्स क्रिकेटर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बजाय फिलोसोफर्स, टीचर, साइंटिस्ट या स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर सोशल मीडिया का बुरा असर ज्यादा पड़ेगा या कम? अब ये करने से ना केवल इंडिविजुअल लेवल पर आपको फायदा होगा, आप वो सब कंटेंट कंज्यूम करना बंद करके जब सही लोगों को फॉलो करोगे तो आपका जीवन तो बेहतर होगा ही, बल्कि इससे सोसाइटल लेवल पर भी चीज़ें शिफ्ट होना शुरू होगी। और मैं मानता हूँ ये चीज़ संभव है। सिर्फ ये बातें करने से कि अरे ये जनरेशन मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रही है, लोनली है, सोशल मीडिया का असर है, ये थोड़ा वो पुराने अंकलों टाइप बातें हो जाती है। आजकल की पीढ़ी का कुछ नहीं हो सकता, वो जमाना तो गया। बेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। जेन जी के साथ में बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं। सर्वेस बताते हैं कि वो कई मामलों में पिछली पीढ़ियों से बेहतर है। जैसे डेलॉयट का एक सर्वे बताता है कि भारत के ही जेन जी वोटर्स के लिए क्लाइमेट चेंज एक टॉप प्रायोरिटी है। दूसरे इन्वायरमेंटल और सोशल इश्यूज को भी लेकर ये जनरेशन ज़्यादा कॉन्शियस है। वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कंफर्टेबल है, और जैसा हमने डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दुनिया भर का लिटरेचर हमें मिनट्स में उपलब्ध है। एनिमल राइट्स के प्रति जेन जी का रुख बेहतर है। कई लोग फार्मिंग में जानवरों पर हो रही क्रुएल्टी के चलते वीगनिज्म जैसी चीज़ें अपना रहे हैं। जिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की हमने बात की है उनको लेकर भी जेन जी ज़्यादा ओपन है, तभी तो इतना पता चल रहा है कि इतने लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। थेरेपी के खिलाफ स्टिग्मा लगातार कम हो रहा है, उसको एक बुरी चीज़ या बीमारों की चीज़ की तरह नहीं देखा जा रहा कि अरे इसको तो थेरेपी लेना पड़ रही है। तो एकदम ही डूमर वाली बातों में मैं विश्वास नहीं करता कि अरे अब तो सब खत्म हो गया। चीज़ें बदल सकते हैं, ज़रूरत है तो अपने आइडियल्स को बदलने की। हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं, किन लोगों की बात सुन रहे हैं, उसे बदलने की। ओवर स्टिमुलेशन और लगातार दिए जा रहे इंटरटेनमेंट के नशे से थोड़ा बचने की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। आने वाले वीडियोस में हम इसके सोसाइटल फैक्टर्स की भी चर्चा करेंगे। बाय द वे, इस चैनल के वीडियोस देखने वाले अधिकतर लोग सब्सक्राइब नहीं हैं,
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, तो इस तरह के वीडियोस आगे कैसे बढ़ेंगे? इन्हें आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। धन्यवाद।